हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक 2023 रिलीज्ड हॉलीवुड हॉरर मूवी के बारे में, जिसका नाम है बेड रेस्ट। ये कहानी स्टार्ट होती है एक मैरिड कपल डैनियल और जूली के साथ, जो बहुत जल्द पेरेंट बनने वाले थे और अपने लाइफ के इस न्यू फेज को वेलकम करने के लिए उन्होंने एक नए घर में शिफ्ट करने का डिसीजन भी लिया था। भले घर काफ़ी पुराना था, उन्हें बहुत सारे जगहों को रेनोवेट करना पड़ रहा था, लेकिन घर का लोकेशन बहुत अच्छा था एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जूली को यह घर पहली नज़र में ही पसंद आ गया था। उसने अपने फ्यूचर के लिए जो जो प्लान्स बनाए थे उसके साथ ये घर परफेक्टली मैच भी कर रहा था। तो डैनियल और देर नहीं करता, डिलीवरी से पहले घर रेडी हो जाना चाहिए, इसीलिए तुरंत ही घर को खरीद लेता है और काम शुरू कर देता है। रेनोवेशन मेनली जूली सुपरवाइज कर रही थी। ऐसे में एक दिन एक वर्कर उसे एक ब्रेसलेट देता है जो उसे बाथरूम में मिला था। ये जूली का नहीं था, लेकिन फिर भी उसे पसंद आता है तो वो रख लेती है। रात में उन्हें एक इन्विटेशन पे जाना था, तो रेडी होते वक्त जूली उसी ब्रेसलेट को पहनती है। तभी अचानक उसे घर में कहीं से किसी छोटे बच्चे की हंसी की आवाज सुनाई देने लगती है, ऐसे कोई बहुत ही धीमी आवाज में किसी से बात कर रहा हो। जूली आवाज को फॉलो करके बाहर निकलती है तो देखती है उनकी बिल्ली लू एक कमरे के सामने खड़े ग्राउल कर रही है, जमीन पर स्क्रैच कर रही है। क्लियरली वहां ऐसा कुछ था जो शायद उसे पसंद नहीं आया। जूली को देखते ही वो भाग जाती है और जूली समझ पाती है वो आवाज इसी कमरे से आ रही है, मगर इस रूम का फ्लोर कम्प्लीटली टूटा हुआ था, इसीलिए वो अंदर झांक नहीं पाती, बस बाहर खड़े सुनने की कोशिश करती अंदर क्या चल रहा है। ठीक उसी वक्त वहां डैनियल आ जाता है और आवाज बंद हो जाती है। डैनियल जूली को नर्सरी में ले जाता है, जहां उसने सारा सेटअप रेडी कर लिया था। उसने एक बेबी मॉनिटर भी खरीदा था, जिससे वो लोग अपने कमरे से बेबी को देख सके और उसकी आवाज भी सुन सके। इसके बाद वो लोग जाते हैं पार्टी में। वहां सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन जब एक लेडी उनसे पूछती है ये उनका फर्स्ट बेबी है या नहीं, डैनियल हाँ बताता है, जबकि ये झूठ था। इससे पहले भी एक बार जूली ने एक बेबी बॉय को जन्म दिया था एंड्रयू नाम से, लेकिन वो स्टिल बॉर्न था। जूली अभी तक उस ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पाई। उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसे कुछ महीने मेंटल इंस्टीट्यूट में भी बिताना पड़ा था। तो फिर से वो जब प्रेग्नेंट हुई, डैनियल ने घर बदलने का डिसीजन लिया फॉर अ फ्रेश स्टार्ट। वो फिर से एंड्रयू की बात उठाकर जूली को हर्ट करना नहीं चाहता था, लेकिन वो तो हर्ट हो ही गई। उसे लग रहा था डैनियल एंड्रयू की यादें मिटाना चाहता है, तो गुस्से में घर वापस आते ही वो ऊपर की तरफ जाने लगती है और ठीक तभी उसे ऊपर के फ्लोर पे एक छोटा बच्चा नजर आता है, जिससे घबराकर उसके पैर फिसलते हैं और वो गिर जाती है। काफी गहरी चोट पहुंची थी जूली को। फॉर्चुनेटली उसका बच्चा जान से तो बच जाता है, मगर डॉक्टर उसे कंप्लीट बेड रेस्ट प्रेस्क्राइब करते हैं। नो स्ट्रेस, नो वेट लिफ्टिंग, नो हाउस होल्ड चोर्स। इनफैक्ट सिर्फ बाथरूम जाने के सिवा जूली कुछ भी नहीं कर सकती। अब ये सुनने में कितना ही आसान क्यों ना हो, करने में बहुत ही टफ था। कुछ दिन के बाद से ही जूली बोर होने लगी थी। अकेले इस महल जैसे घर में दम घुटने लगा था उसका। ऐसे में एक दिन एक हादसा होता है। जूली जब बाथरूम जाती है तो वहां उसे किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है, साथ में किसी के हंसने की भी। और जब वो अपने कमरे में वापस आती है, उसे ऐसा फील होता है कि क्लोसेट के अंदर से कोई उसे देख रहा है। तब चेक करने पर तो उसे वहां कुछ नहीं दिखता, मगर रात में यही आवाज उसे फिर से सुनाई देने लगती है। उस रात बाहर बहुत जोर से बिजली कड़क रही थी। उसे रोशनी में जूली को साफ साफ दिखता है क्लोसेट के अंदर कोई है। डर से उसकी हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन जब डैनियल चेक करता है उसे कोई नहीं दिखता। जूली को लगता है ये सब उसके प्रेगनेंसी हार्मोन्स की वजह से हो रहे हैं शायद, तो वो ज्यादा ध्यान नहीं देती। लेकिन इसके ऑलमोस्ट 11 दिन बाद फिर से एक अजीब चीज होती है उसके साथ। जूली को अपने गार्डन में एक छोटा लड़का नजर आता है। जूली जब उससे उसके माँ के बारे में पूछती है, वो लड़का अपनी उंगली ऊपर की तरफ पॉइंट करता है। जूली समझ नहीं पाती उसका मतलब, मगर ठीक तभी खिड़की अपने आप ही बंद हो जाती है और वो बच्चा गायब हो जाता है। साथ में जूली को बेबी मॉनिटर पे नोटिफिकेशन मिलता है कि उस कमरे में कोई है। पहले जूली को कुछ नहीं दिखता, उसे लगता है कोई ग्लिच होगा शायद,
मगर जब वो ध्यान से देखती है, उसे मिरर पे एक औरत का चेहरा नजर आता है, जो उसे देखकर ही भाग जाती है। जूली को अपने कमरे के बाहर फुटस्टेप सुनाई दे रही थी, तो क्या वो औरत इस तरफ आ रही है? वो उसी वक्त पुलिस को इन्फॉर्म करती है, मगर उनके आने से पहले उसे इस कमरे का दरवाजा लॉक करना था, जो वो करती भी है किसी तरह, मगर इससे जो कोई भी बाहर था, जूली उसे रोक नहीं पाती। उसे सीलिंग पर किसी के पैर के निशान दिखने लगते हैं, किसी इनविजिबल इनह्यूमन एंटिटी के छोटे छोटे फुटप्रिंट्स। डर और टेंशन में जूली कंप्लीटली ब्लैंक हो चुकी थी। वो समझ नहीं पाती है क्या हो रहा है उसके साथ। लकीली तभी घर में पुलिस आ जाती है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। उनके साथ डैनियल भी आया था, और सब कुछ सुनकर उसे ऐसा लगता है कि जूली फिर से हेलुसिनेट कर रही है। उसका ट्रॉमा वापस से ट्रिगर करने लगा है। उसे जूली की फिक्र हो रही थी, तो वो उसके लिए एक केयर टेकर अरेंज करता है डेलमी नाम से। डेलमी एक सर्टिफाइड नर्स है, वो पूरा दिन जूली का ख्याल रखेगी और जरूरत पड़ने पर इनिशियल स्टेप्स भी ले पाएगी। लेकिन उसके आने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। जूली के आसपास अजीब सी चीजें होती ही रहती हैं। उसके आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। हमेशा एक अनकंफर्टेबल सेंसेशन फील हो रहा था उसे। उसने कई बार नोटिस किया है कमरे का लैंप हिल रहा है, और एक रात तो उसे खिलौना भी दिखता है सीलिंग पर चलते हुए। ये एंड्रयू का खिलौना था। तो जब इसके तुरंत बाद ही जूली को फिर से वो लड़का दिखता है, उसे लगता है ये एंड्रयू होगा, शायद अपने माँ से मिलने आया हो। बहुत इमोशनल हो जाती है जूली, लेकिन किसी से कुछ शेयर नहीं करती। डैनियल से तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसे पता था वो उस पर यकीन नहीं करेगा। मगर इसके अगले दिन ही जब वो नहाने जाती है, उसे वही लड़का फिर से दिखता है, जिसके प्रेजेंस से जूली के पेट में बहुत जोर से दर्द शुरू हो जाता है। किसी तरह डेलमे को बुलाकर बेहोश हो जाती है जूली। लकीली इस बार भी उसका बच्चा बिल्कुल सही सलामत था, लेकिन उसके ऐसे बर्ताव से सभी कंफर्म्ड हो चुके थे कि उसे साइकोटिक अटैक आ रहे हैं। उसे ट्रीटमेंट की जरूरत है। इनफैक्ट डॉक्टर तो उसे हॉस्पिटलाइज करने का भी सजेशन देते हैं, जो जूली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो वो मेडिसिन लेना स्टार्ट कर देती है। इससे फायदा भी होता है, वो पहले से काफी बेहतर फील करने लगी थी, उसकी नींद भी कंप्लीट हो रही थी, और साथ में डैनियल के साथ उसका रिश्ता भी बेहतर हो रहा था। ओवरऑल बढ़िया चल रहा था सब कुछ, लेकिन ज्यादा दिन नहीं। एक दिन बिस्तर के नीचे से एक बॉल अपने आप ही बाहर निकल आता है, तो जूली को लगता है जरूर लू खेलना चाहती है, तो वो भी पास करती है। मगर कुछ देर बाद ही उसे लू अपने सामने दिखती है, तो बॉल पास कौन कर रहा है? जूली अपने मिरर से देखती है, तो उसे बिस्तर के नीचे वही छोटा लड़का नजर आता है। ये वही था जिसे जूली बार बार देख रही थी, और उसका मन कह रहा था कि यही एंड्रयू है। और इस बार लू भी उसके प्रेजेंस से रिएक्ट करती है। इसका मतलब ये जूली का इमेजिनेशन नहीं है, कोई सच में है। इस बार जूली चिल्लाती नहीं ना डरती है, उल्टा उस लड़के से कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है। रात रात भर जग के चीजों को ऑब्जर्व करती है बेबी मॉनिटर के जरिए। उसे कुछ भी करके उस लड़के से कांटेक्ट करना था, बात करनी थी उससे। जूली को सक्सेस मिलने में ज्यादा देर नहीं लगती, मगर एंड्रयू उसे जो बताता है उसे सुनकर जूली डर जाती है। एंड्रयू उसे वार्न करता है कि कोई उसका बच्चा छीनना चाहता है, और इस कोई से वो किसी फीमेल की तरफ पॉइंट कर रहा था। अब इस घर में जूली के अलावा बस एक और ही फीमेल है, डेलमी। तो जूली को लगने लगता है वही कल्प्रिट है। वैसे भी उसे पता है डेलमी कभी मां नहीं बन पाएगी, उसने खुद जूली से ये बात कही थी। तो ये हो सकता है कि शायद वो जूली का बच्चा छीनने के लिए ही इस घर में आई हो। जूली उसी दिन से अलर्ट हो जाती है, मेडिसिन्स लेना कम्प्लीटली बंद कर देती है, और वो डैनियल से भी कहती है डेलमी को घर से भगाने के लिए। बट एज एक्सपेक्टेड, डैनियल उसके बातों पर यकीन नहीं करता। डेलमी को छुड़ाता नहीं, उल्टा बेबी मॉनिटर का कनेक्शन ही ऑफ कर देता है। वही पागल बना रहा है जूली को। ऐसे ही एक हफ्ते बीत जाते हैं। डिलीवरी में बस और 3 दिन बाकी था। जूली की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, एंजाइटी सभी एक साथ उस पर असर डाल रहे थे। ऐसे तो वो सच में पागल हो जाएगी। डेलमी ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। तो एक दिन वो खुद जाती है जूली से बात करने, उसे समझाने कि उसके दिल में कोई गलत इंटेंशन नहीं है,
उसे पता है अपने औलाद को खोने का दर्द क्या होता है। उसका भी तो 3 बार मिसकैरेज हुआ है। वो जूली को एक कहानी सुनाती है जो उसने बचपन में सुनी थी। एक मेलेंड्रा किंसले नाम के लेडी के बारे में थी ये कहानी। इसी लेक के आसपास कहीं रहती थी वो। 3 बेटे और पति के साथ खुशहाल जिंदगी थी उनकी। लेकिन उसे एक बेटी का शौक था, इसीलिए उसने फिर से कंसीव किया। बट अनफॉर्चुनेटली प्रेगनेंसी के चलते एक फेटल एक्सीडेंट में वो बच्ची गुजर गई। इसी लेक के पास मेलेंड्रा इस शौक को बर्दाश्त नहीं कर पाई। एक दिन उसने अपनी जान ले ली। एक माँ का दर्द इतना ही भयानक होता है, उसे डील करना आसान नहीं होता। डेलमी जूली को यह सब बता रही थी क्योंकि वो उसे हौसला देना चाहती थी। लेकिन एक्चुअल में जूली का फोकस किसी और चीज पर था। उसे याद आता है उसके हाथ में जो ब्रेसलेट है उस पर इसी नाम का इनिशियल एनग्रेव्ड है, MK। इमीडिएटली वो घर के पेपर्स भी चेक करती है और उसे पता चलता है इस घर के प्रीवियस ओनर्स के नाम जॉर्ज एंड मेलेंड्रा किंग्सली है। तो शायद ये ब्रेसलेट भी उन्हीं का है। लेकिन क्या ये दोनों मेलेंड्रा एक ही है? जूली को और डिटेल्स जानना था, इसलिए वो लोकल न्यूज़पेपर ऑफिस में कॉल करती है। ये खबर काफी पुरानी थी, इसलिए वो लोग तुरंत तो कुछ बता नहीं पाते, मगर बाद में मेल भेजने का प्रॉमिस जरूर करते हैं। इधर रात होते ही जूली को फिर से अजीब चीजें नजर आने लगती है। उसके कमरे का दरवाजा अपने आप ही बंद हो रहा था। बाहर से बच्चों की आवाज भी आ रही थी। वो बेबी मॉनिटर से देखने की कोशिश करती है मगर वो ऑफ था। तो जूली एक जुगाड़ लगाती है। वो अपना फोन का कैमरा ऑन करती है और क्लीनर के साथ बांध के रिमोट कंट्रोल के जरिए भेज देती है नर्सरी में। वहां उसे फिर से एंड्रू दिखता है। लेकिन जब वो उससे पूछती है कि उसने जिस लेडी के बारे में उसे वार्न किया था, क्या उसका नाम मेलेंड्रा है? वहां और भी 2 लड़के आ जाते हैं और कैमरा ऑफ हो जाता है। ऐसा लगता है एज़ इफ बाकी वो तो बच्चे एंड्रू को रोक रहा था कुछ बताने से। जूली को फील होता है कोई उसके कमरे की तरफ आ रहा है, कोई अदृश्य शक्ति जिसे देखा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। वो एंटिटी जूली पर हमला कर देती है, उसके बेबी बम को खरोचने लगती है, जैसे वो उसे काट कर बेबी को निकालने की कोशिश कर रही हो। दर्द में जूली तड़पने लगी थी, लेकिन जैसे वहां डेलमी आती है सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। हर बार यही हो रहा था, सबको लग रहा था जूली बीमार है, मगर जूली को सारा खेल समझ आ जाता है जब उसे न्यूज़पेपर ऑफिस से मेल मिलता है। उसे पता चलता है ये दोनों मेलेंड्रा सेम है। उसने अपने बेटी को खोने के गम से सिर्फ सुसाइड नहीं करी थी, बल्कि उससे पहले अपने 3 बेटे का खून भी किया था, उसी बाथटब में डुबो के जिस बाथरूम से जूली को आवाज आती है, जिस बाथरूम से ये ब्रेसलेट मिला था। मतलब ये सब जूली का इमेजिनेशन नहीं है, सच है। मेलेंड्रा की अतृप्त आत्मा अभी भी इसी घर में भटक रही है। उसने जरा सेंस कर लिया है कि जूली के पेट में एक बेबी गर्ल है, इसीलिए ही तो वो उसके पीछे पड़ी है। जूली को यह भी पता चलता है कि जिस लड़के को वो बार बार देख रही है वो लड़का एंड्रू नहीं है, बल्कि मेलेंड्रा का बेटा बॉबी है। वो जूली को अपने माँ के बारे में ही वार्न कर रहा था। जूली सारा खेल समझ चुकी थी। वो डैनियल और डेलमी को भी समझाने की कोशिश करती है, मगर पता चलता है उन्हें तो पहले से ही इस घर के हिस्ट्री के बारे में पता है, हर एक डिटेल्स। डैनियल ने जानबूझकर इस घर को खरीदा था क्योंकि उसे लग रहा था एक्सीडेंट्स तो हर जगह होती है, उससे कोई घर भूतिया तो नहीं बन जाता ना। वो लोग यकीन करे या ना करे, जूली बिल्कुल श्योर हो चुकी थी क्या होने वाला है। तो वो उसी वक्त भागने की कोशिश करती है घर से, मगर मेलेंड्रा उसे जाने दे तब ना। घर के अंदर तूफान शुरू हो चुका था, सारी चीजें हिलने लगी थी और सारे लाइट्स भी ऑफ हो जाते हैं। अंधेरे में उन्हें सुनाई देती है क्लोसेट के अंदर से आवाज आ रही है। जैसे ही डैनियल उसे खोलता है, उन्हें अंदर एक लड़का दिखता है। ये मेलेंड्रा का दूसरा बेटा था। वो उन्हें वार्न करता है कि उसकी माँ आ रही है और बिल्कुल छिपकली की तरह सीलिंग पर चढ़ के कहीं गायब हो जाता है। इस बार सब कुछ सबके सामने हो रहा था, तो फाइनली डैनियल उसके बातों पर यकीन कर ही लेता है और डेलमी और जूली के साथ घर से निकलने की कोशिश करता है। मगर इसी प्रोसेस में डेलमी की जान चली जाती है। मेलेंड्रा उसे उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देती है। उसके बाद डैनियल की बारी थी, उस पर भी हमला होता है और वो गिरकर बेहोश हो जाता है। बेचारी जूली बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी, उसका लेबर पेन भी शुरू हो चुका था।
वो किसी को कॉल भी नहीं कर पाती क्योंकि सारे कमरे के दरवाजे बंद हो चुके थे। उसके सामने पड़ा था तो बस वॉकी टॉकी। तो वो उसी के जरिए कोशिश करती है, अपना नाम और पता बताकर मदद बुलाती है और ठीक उसके बाद ही मेलिंडा उसे बाथरूम में बंद कर देती है, उसी बाथरूम में जहां उसने सुसाइड करी थी। बहुत चोट पहुंचती है जूली को, उसके सर से खून बहने लगा था, ऊपर से उसका कॉन्ट्रैक्शन भी शुरू हो चुका था। उसी हालत में इमेंस पेन सहन करके वो अपने बेटी को जन्म देती है। लेकिन मेलिंडा वही इंतजार कर रही थी उस बच्चे को ले जाने के लिए। उसके जन्म होते ही वो उसकी सांस रोक देती है, तड़पाने लगती है उस छोटी सी जान को। उसे देखकर जूली भी इकोली तड़प रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, कैसे बचाए अपने बच्ची को। तभी उसे याद आता है इस रूम का फ्लोर फ्रजाइल है, ज्यादा प्रेशर डालने से ये टूट जाएगा। जूली इसी बात का फायदा उठाती है, वो अपने प्रेशर से बाथटब को और पुश करती है जो सीधे जाकर नीचे गिर जाता है। इससे बेबी की जान तो बच जाती है मगर जूली की हालत खराब हो जाती है, वो हिल तक नहीं पा रही थी। तब तक डैनियल का सेंस लौट चुका था, वो दोनों को ही घर से निकालने की कोशिश करता है मगर वो पॉसिबल नहीं हो रहा था। तो जूली उसे बच्चे को बाहर ले जाने के लिए कहती है मगर मेलिंडा से पीछा छुड़ाना आसान नहीं था, उसने मेन डोर लॉक कर दिया था, डैनियल उसे खोल नहीं पा रहा था। जूली हेल्पलेसली सब कुछ देखने लगती है, उसे रियलाइज होता है उसे कुछ करना होगा। तो वो उठकर खड़ी होती है और मेलिंडा का सामना करती है। एक माँ के सामने वो एविल स्पिरिट टिक नहीं पाती, उसे ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जाना ही पड़ता है। जूली को कोई आइडिया नहीं था उसके अंदर इतनी हिम्मत कहां से आ गई, ये सब उसने कैसे किया। मगर कुछ ही देर में उसे इसका जवाब मिल जाता है जब वो देखती है डैनियल उसके पास ही बैठकर रो रहा है, मतलब उसके लाश के पास। हाँ, जूली मर चुकी थी, इसीलिए ही तो एक सोल से लड़ पाई। जूली एक तरफ खुश थी अपने बच्चे को सही सलामत देखकर, मगर साथ में एट द सेम टाइम उसे दुख भी हो रहा था, जिस बच्चे के लिए उसने इतना कुछ किया उसे वो कभी छू भी नहीं पाएगी। वो बैठे बैठे देखने लगती है पुलिस एंड पैरामेडिक्स उसे रिवाइव करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। तभी बॉबी आता है उसके पास और उसे बताता है कोई उसे बुला रहा है। ये जूली का मरा हुआ बेटा एंड्रयू था, एक को खोकर दूसरा मिल चुका था जूली को। वो खुश थी मगर लिविंग वर्ल्ड में अपने पति और बेटी के लिए उसका मन बेचैन भी हो रहा था। ऐसे में वहां डेलमी आती है उसे दूसरे दुनिया के तरफ ले जाने के लिए, लेकिन शायद जूली का समय पूरा नहीं हुआ था। पैरामेडिक्स के लगातार कोशिशों से जूली की स्पिरिट धीरे धीरे अपने शरीर में वापस जाने लगती है। वो डेलमी से कह जाती है एंड्रयू का ख्याल रखने के लिए जब तक वो लौट कर ना आए। एट द एंडिंग सीन हम देखते हैं वो लोग अभी भी उसी घर में रह रहे हैं, सभी खुश है। जूली को फिर कभी कुछ अनयूजुअल फील नहीं हुआ, न कभी बॉबी दिखा। मेलिंडा के साथ साथ उनके स्पिरिट्स को भी मुक्ति मिल चुकी थी शायद। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है, एक छोटी सी स्टिल इंटरेस्टिंग एंड इमोशनल स्टोरी है, मुझे तो काफी पसंद आई। आपको यह वीडियो कैसी लगी राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।